हेलो एवरीवन, तो आप सबको बहुत दिनों के बाद मैं मिल रही हूँ। आई थिंक ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स आई गॉट मैरिड, तो मैं थोड़ा मी जोन में चली गई थी। और आपको लग रहा होगा कि ये बाजू में कॉफ़ी मशीन लेके क्यों खड़ी है, तो ये मेरा एक नया मशीन है, कॉफ़ी मशीन। रिसेंटली मुझे चस्का लगा है कॉफ़ी पीने का, तो आई वॉन्ट टू शो यू दिस मशीन। हम लोगों ने एक इवेंट में यूज़ किया था, तो मैंने टेस्ट किया है वहाँ पे कॉफ़ी, काफ़ी अच्छा है। इट्स एस्प्रेसो प्लस ग्राइंडर, तो यू कैन हैव फ्रेश कॉफ़ी इन अ ग्राइंडिंग फीचर। तो हम इसका आज रिव्यू करेंगे एंड आई विल शो यू हाउ इट वर्क्स। हमने बॉक्स से निकाल दिया है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। सिल्वर कलर का हमने लिया है, इट हैज टू कलर्स, वन इज ब्लैक एंड सेकेंड इज सिल्वर। दूसरा कोई कलर है तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमने सिल्वर लिया है एंड काफ़ी स्मार्ट लुक है। आपको मैं दिखाती हूँ आगे के फीचर्स। यहाँ पे हम ये ट्रे दिया है, मेटल ट्रे, वेरी वी कैन पुट दिस ग्लासेस, सो एक अच्छा फीचर है। साथ ही में ये वाला ट्रे है जहाँ पे हम बीन्स डाल सकते हैं और यहाँ से हम ग्राइंडिंग ऑप्शंस जो है वो सेट कर सकते हैं। यूजुअली हम लोग 2-3 पे रखने वाले हैं एंड ये वाला जो है, दिस बॉक्स इज बेसिकली फॉर प्री ग्राउंड कॉफ़ी, तो अगर आपके पास वो है तो यू कैन यूज़ इट। और उसके लिए उन्होंने ये मैनुअल बॉक्स में स्कूप भी दिया है और साथ में बस ये मैनुअल शीट है एंड ये डीकॉक क्लीनर जो दिया है दी रॉम्बे की तरफ से। और ये तो ग्राउंड, ये फ्रेश बीन्स है जो हम लेके आए हैं, वो हम पॉर करेंगे एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। और दूसरा ये जो है फ्रॉथिंग वॉन्ड है और ये कंट्रोल पैनल है, पैनल बार है जहाँ पे सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, फीचर्स है, पावर बटन है और सिंगल एस्प्रेसो, डबल एस्प्रेसो, तो ये है। और बस हम अपना कॉफ़ी बनाना स्टार्ट करेंगे। और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, ये जो है वाटर ट्रे है जिसमें हम फ्रेश वाटर पोर करेंगे और यहाँ पे एक फ़िल्टर ऑप्शन भी दिया है। अगर आप डायरेक्ट टैप वाटर यूज़ कर रहे हैं तो यू कैन टेक फिल्टर फ्रॉम डी और वो फ़िल्टर यहाँ पे आप एडजस्ट करके यू कैन यूज़ टैप वाटर आल्सो। मैं यहाँ पे मिनरल वाटर ही यूज़ करने वाली हूँ। और इसका ये भी दिया है हमें कहाँ तक यूज़ करना है, यू कैन यूज़ इट टिल मैक्सिमम वाटर। तो लेट्स स्टार्ट, पहले आप वाटर पॉर करते हैं। तो बस पानी भरना है इतना ही, इनफ है, ज़्यादा नहीं भरते क्योंकि हम लोग एक ही 2 ग्लास बनाने वाले हैं। और आप ट्राई करो रोज़ वाटर टैंक नया वाला ही फील करो, तो फ्रेश कॉफ़ी आपको मिलेगी। ये मैंने उल्टा रख दिया है ढक्कन चाय, इसलिए बंद नहीं हो रहा है। तो देखो पहली बार यूज़ कर रही हूँ तो मुझे ये नहीं पता कैसे उसको बंद करना है, तो विद द हेल्प ऑफ कैमरामैन मैंने सीख लिया। इजी है, नहीं करना है आगे से ही उसको ऐसे प्रॉपर बंद करना है, दैट्स इट। चलो अभी तो एक और फीचर दिखाना है आपको कि ये ड्रिपिंग ट्रे है, तो जो भी कॉफ़ी ग्राउंड होगा तो जो सारा वेस्ट है वो इधर गिरेगा, जो हमें बारी बारी साफ करना है।
एक फीचर है, और यहाँ पे भी उन्होंने स्टील दिया है, मतलब ट्रे दिया है, तो इट्स वेरी हाइजीन, इससे आप उसको पोंछ सकते हो। और ये हो गया हमारा क्लीन। ठीक है, तो अभी हम कॉफी फ्रेश बीन से जो हम लेके आए हैं, चलो क्लीनिंग करते हैं। वाओ, इट स्मेल्स सो गुड। पता है मुझे रिसेंटली चस्का लगा है कॉफी का। मैं पहले कॉफी लवर नहीं थी, मैं चाय लवर थी, अभी भी हूँ मैं, बट मैंने जब से ये ट्राई किया है मुझे सच में चस्का लग गया है फ्रेशली बिंग कॉफी। तो ये कितना हमें पॉर करना है, ज़्यादा नहीं करना है, जस्ट टू मेक श्योर कि मतलब ज़्यादा फुल नहीं करना है, बस इतना ही नफर है। और करते हैं यहाँ पे हम एडजस्ट करेंगे 2-3। बिफोर वी स्टार्ट, यहाँ पे एक पीछे पावर बटन है दैट वी नीड टू टर्न ऑन, लेट मी शो देम। ठीक है, मशीन इज टर्न्ड ऑन। सी, वी हैव सम इंडिकेशन कि वाटर टैंक हमारा फुल नहीं है, तो हमें फुल करना पड़ेगा। तो ये फीचर है यहाँ पे हमारा, ये बटन थ्रू हम पूरा एक्सेस कर सकते हैं कि वाटर टैंक खाली है, कि फिर हमें ये ट्रे जो है चेंज करना है, मतलब कि वो कचरा निकालना है। तो इट हैज़ वेरी गुड फीचर अबाउट दिस मशीन। अभी प्रो हो गई मैं। सी, देयर इज नो इंडिकेशन नाउ, तो आई थिंक वी आर गुड टू गो, लेट्स स्टार्ट। ये एक और फीचर है जिसको फ्रॉदिंग वॉन्ड बोलते हैं, और वहाँ से हम मिल्क जो है वो स्टीम कर सकते हैं, एंड ऑल्सो इट इज़ फॉर हॉट वाटर। तो जैसे ही हम पावर बटन ऑन करेंगे, यहाँ से पानी निकलेगा, जो गर्म पानी होता है, जो सारे पाइप्स है वो क्लीन करके, फर्स्ट इट हैज़ दिस फीचर। तो आपको आप उसको ऐसे पुल भी कर सकते हो, मैं अभी फ़िलहाल तो ऐसे रखूँगी। चलो ऐसे करके चेक करते हैं। इट टेक्स सम टाइम, और मैं भी आप लोगों के साथ ये फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही हूँ, तो अगर जितने भी बरिस्ता है मेरे व्यूअर्स, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं प्रो नहीं हूँ ये मशीन यूज़ करने में। आई एम ऑल्सो ट्राइंग एंड आई थॉट टू यू नो ट्राई इट विद यू गाइस। सी, इट स्टार्टेड। पानी निकलेगा पहले। इट स्टार्टेड, यस फाइनली। So it's done. इसको क्लीन करते हुए
तो जैसे कि आपने देखा मशीन स्टार्ट हो गया है. आई एम गोइंग टू मेक कैपेचिनो. तो उसके लिए मुझे मिल्क स्टीम करना पड़ेगा. फॉर दैट वी विल यूज दिस फ्रोथिंग वॉन्ड. तो दूध निकालते करें. अगर अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो मेरी तरह, तो मैं रिस्क नहीं ले रही हूँ फुल ग्लास भर के. आई जस्ट मेक अ हाफ कप, क्योंकि ये जब फ्रॉथ होता है तो यू नो पूरा मिल्क शायद चांस है कि बाहर निकले. तो लेट्स ट्राई. तो ये जो वॉन्ड है ना, ये पूरा मूवेबल है ऐसे. तो और ये जो इसका नोजल है वो हम रिमूव कर सकते हैं. मैं अभी फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ. नॉर्मली प्रो लोग ऐसे रिमूव करके यूज़ करते हैं, बट आई एम जस्ट बिगिनर. तो मैं उसको ऐसे डाल के यूज़ कर रही हूँ. एंड सिंपल है, ग्लास थोड़ा ऐसे रखना नहीं, ऐसे रखते हैं. और फर्स्ट टाइम कर रही हूँ गाइस, और ये स्टीम बटन ऑन करना है. एंड जस्ट नीड टू लाइक दिस. Let's start. To clean this, इसको ऐसे तुरंत क्लीन करना है. अभी नॉर्मली क्या होता है कि एस्प्रेसो पहले बनता है एंड देन यू नो वी पोर दिस मिल्क. जैसे कि आपको पता है यू नो बरिस्टा मेक्स कोस्टा में और स्टारबक्स में. लेकिन हम लोग मैंने पहले मिल्क फ्रोथ किया और बाद में मैं सी इट हैज़ एस्प्रेसो डबल एस्प्रेसो. वॉट माई सजेशन इज कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए तो आप डोंट गो विद डबल एस्प्रेसो, क्योंकि कॉफ़ी का जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाएगा. सो बेटर यू गो विद सिंगल एस्प्रेसो विथ यू नो यू नीड टू प्रेस दिस बटन टू टाइम्स. तो फिर जो स्ट्रेंथ होगी कॉफ़ी की दैट यू विल एन्जॉय विथ टू टाइम्स.
बन गया हमारा फाइनली कैपुचिनो होममेड। और लेट मी टेस्ट। वाह, ऐसा ही लग रहा है जैसे हम स्टारबक्स में बैठे हैं। मस्त है। तो देखा आपने, अच्छी तरह से काम कर रहा है मशीन एंड काफ़ी कन्वीनियंट है, ऑटोमेटिक है तो ज़्यादा किचकिच नहीं है। नॉर्मली क्या होता है मैन्युअली मशीन में ग्राइंडर और एस्प्रेसो बनाना है तो इट्स अ टास्क, और वो सिर्फ और सिर्फ बरिश्ता और जो प्रोफेशनल है वही शायद यूज़ कर पाएंगे, हमारे जैसे बिगनर यूज़ नहीं कर पाते। लेकिन विद दिस मशीन आई थिंक बिगिनर कैन ऑल्सो यूज़ इट। तो हम लोगों ने ये कैरफोर से लिया था अराउंड 2200। आप अमेजोन से भी ले सकते हो, उसमें हमने बाद में देखा कि वहाँ पे थोड़ा सस्ता है, तो विच इज़ आई थिंक अराउंड 2150 समथिंग, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी, तो अगर आप यू कैन परचेज इट इफ़ यू वॉन्ट। अच्छा है ये प्राइस में, आपको ऑटोमेटिक फुली ऑटोमेटिक मशीन मिल रहा है विद यू नो कंट्रोल पैनल बार, तो आप पूरे फीचर्स देख के आप यूज़ कर सकते हो। हमारे पास एक और मशीन है विच इज़ नेस्प्रेसो कॉफ़ी मशीन। ये तो आप सबको आई थिंक पता ही होगा, इट्स वेरी इजी एंड कन्वीनियंट फॉर ऑल कॉफ़ी लवर्स। मैं आपको एक यूज़ करके दिखाती हूँ हाउ इट वर्क्स। इसमें ऐसे कैप्सूल्स आते हैं, आप देख सकते हो ये वाले, और इसको ऐसे ओपन करना है एंड पीछे वाटर टैंक है, तो उसमें डजंट मैटर आप कितना फुल करो, हाफ मतलब एम्प्टी नहीं होना चाहिए, थोड़ा पानी हो तो भी ये चलता है। और ये ऐसे कैप्सूल्स आते हैं नेस्प्रेसो के, ये भी बहुत टेस्टी है, ये वाला कॉफ़ी भी बहुत टेस्टी है। तो इट्स वेरी इजी दिस वन, ठीक है। ये हमने रखा, इसको ऐसे डाला कैप्सूल्स, ये बहुत इजी, सुपर इजी मतलब, और इसको ऐसे बंद किया। और यहाँ पे इट डिपेंड्स आपको फुल कप चाहिए हाफ कप चाहिए। हाँ, उसको पहले मुझे प्लगिंग करने दो। आपको फुल कप चाहिए या हाफ कप चाहिए इट्स अप टू यू। मैं अभी हाफ कप करूँगी, बहुत हो गया मेरा कॉफ़ी, तो फिर टू टाइम्स प्रेस करना है इसको। ये हम लोग इजी टू गो कॉफ़ी वाला मशीन है, हम लोग को जब भी इच्छा होती है तो ये वाला बहुत कन्वीनियंट है, इसका भी टेस्ट अच्छा है। लेट मी प्रेस वंस अगेन। सो ये भी एक अच्छा कॉफी मशीन है फॉर ऑल बिगिनर्स, और जिसको कॉफी पसंद है फॉर ऑल कॉफी लवर्स, जैसे मेरे जैसे नए नए कॉफ़ी आपको पसंद आ रही है तो ये वाला भी आप यूज़ कर सकते हो। ये भी अराउंड 750 या 650 दिराम में मिलता है, 750 दिराम में ये वाला नेस्प्रेसो मशीन मिलता है। एंड मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अभी मैं वीडियोस बनाती रहूँगी, आई कीप इन टच। So stay connected and I'll see you in next video. Till the time, enjoy the coffee. My appetite, don't leave me high and dry.